New Oxford Modern English Book, Class 8th. Poem, The Skimbleshanks, The Railway Cat, written by T.S. Eliot. T.S. Eliot jo hai, he one of the greatest poets of the 20th century ke hai. He was born in USA. Aur uske baad unhone ek us pe cats pe kafi poem likhi thi, jaise The Mystery Cat, The Naming of Cats, aur the first appeared in a collection of the Eliot's poem called Old Possum's Book of Practical Cats. Isme jo Skimbleshank hai usko almost ek insaan ke jaise mana gaya hai, jo ek station master hai jise sab kuch pata hai, sab kuch usko ek railway station ke bare mein pata hai, even passengers ke bare mein and even sleeping car express ke bare mein. Skimbleshank is a railway cat. रेलवे कैट यानी ये एक कैट है जिसको एक रेगुलेटर और सुपरवाइज़र ऑफ रेलवे स्टेशन बताया गया है, जो कि सभी एक्टिविटीज़ रेलवे स्टेशन की कंट्रोल करती है. इसके अलावा इस रेलवे कैट का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़िया एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है. हम पहले की कुछ लाइंस लेते हैं. There's a whisper down the line at 11:39. When the night mail's ready to depart. Whisper यानी धीरे धीरे बात करना. लोग आपस में धीरे धीरे बात करने लगे थे. कहाँ पे? रेलवे लाइन पे. कहाँ, कौन, क्यों बात कर रहे थे, कितने बजे बात कर रहे थे? At 11:39 पे. क्यों? क्योंकि जो ट्रेन है जिसका नाम है नाइट मेल, उसके जाने का टाइम होने पे आ गया था. और उसके जाने के टाइम होने के साथ साथ डिपार्ट यानी वो रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन जाती है तो उसके लिए बोला जाता है डिपार्ट. वो ट्रेन रेडी थी डिपार्ट के लिए और जो स्किम्बल है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी. सेइंग स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल, हैज ही गॉन टू हंट द थिम्बल. यहाँ पे लोग विस्पर कर रहे थे, धीरे धीरे कानाफूसी करते हैं जिसको बोलते हैं, वैसे बात कर रहे थे. और क्या बात कर रहे थे कि स्किम्बल कहाँ है, कहाँ स्किम्बल चले गए हैं. जो स्किम्बल है, दैट इज़ अ रेलवे कैट, वो किधर जा गई, चले गए. ही गॉन टू हंट द थिम्बल. वैसे थिम्बल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, पर ये हंट द थिम्बल ये कहावत है, यानी किसी इम्पॉर्टेंट काम के लिए चले जाना. वैसे हंट द थिम्बल एक गेम के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें कुछ लोग मिलके गेम खेलते हैं और एक जना किसी चिट को या किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को कहीं छुपा देता है और दूसरे फिर उसको सर्च करते हैं. तो हंट द थिम्बल यानी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, यानी जो स्किम्बल है वो ऐसे ही नहीं कहीं गई होगी. रेलवे कैट जो है वो ज़रूर थिम्बल जो है, हंट द थिम्बल यानी किसी इंपॉर्टेंट काम में कहीं बिजी हो गए होंगे. We must find him on the train can't start. हमको उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन स्टार्ट नहीं हो सकती. All the guards and the porters and the station master's daughters, they are searching high and low. सब लोग ट्रेन को डिपार्ट करना है स्टेशन से, तो जो गार्ड है, जो सामान कैरी करते हैं, पोर्टर्स हैं, इवन स्टेशन मास्टर की डॉटर भी है, वो स्किम्बल को ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, सीढ़ियों से ऊपर, सीढ़ियों से नीचे, हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं. और बोल क्या रहे हैं, सेइंग स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल, फॉर अनलेस ही इज वेरी निम्बल. वो लोग स्किम्बल के बारे में बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि स्किम्बल कहाँ है, किधर है स्किम्बल. लेकिन हम उसके लिए ये भी नहीं बोल सकते कि जो स्किम्बल है वो एक्टिव नहीं है. स्किम्बल तो एकदम एक्टिव है. निम्बल यानी एक्टिव, वो एकदम एक्टिव है. वो ऐसे नहीं है कि वो कहीं वक्त पे कहीं चले जाए. तो स्किम्बल इज़ वेरी एक्टिव, बट नाउ वेयर इज़ द स्किम्बल, स्किम्बल कहाँ चली गई है. Then the night mail just can't go. Night mail जो है वो स्किम्बल के बिना डिपार्ट नहीं हो सकती, वो जा नहीं सकती. At 11:42 when the signal's nearly due.
11:42 उसके बिल्कुल जाने का टाइम आ गया है, बिल्कुल नियरली सिग्नल जाने का टाइम आ चुका है. एंड द पैसेंजर्स आर फ्रांटिक टू ए मैन. फ्रांटिक टू ए मैन का मतलब होता है कि एकदम पागल हो चुके हैं उनको ढूंढने में, वो ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो कहाँ है, क्रेजी हो गए हैं वो उसे ढूंढने में. टू ए मैन, टू ए मैन का मतलब है इंक्लूडिंग एवरी वन, हर एक इंसान, हर एक पैसेंजर जो है वो स्किम्बल को ढूंढने के लिए क्रेजी हो चुका है. देन स्किम्बल विल अपियर एंड ही विल सॉन्टर टू द रियर. अचानक ही स्किम्बल आ गए, स्किम्बल जो है, स्किम्बल शेंग कैट, द रेलवे कैट अचानक अपीयर हो गई. ही विल सॉन्टर टू द रियर और वो पूरे यानी वॉक करने लगी पूरी ट्रेन के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक. रियर मीन्स टू द अनदर एंड ऑफ द ट्रेन एंड सॉन्टर मीन्स टू वॉक. ही इज बीन बिजी इन द लगेज वैन. स्किम्बल शेंग जो है वो इधर उधर नहीं गए थे, वो लगेज वैन में बिजी थे. ही गिव्स वन फ्लैच ऑफ हिज ग्लास ग्रीन आईज. उसकी जो आंखें हैं वो ग्लास, चमकती हुई ग्रीन कलर की आंखें हैं. जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों से ग्लास ग्रीन आईज से एक फ्लैश दिया, एक नोटिस दिया, एंड द सिग्नल गोज ऑल क्लियर. सारे सिग्नल क्लियर हो गए और जैसे ही सिग्नल क्लियर हो जाते हैं तो ट्रेन जो होती है वो रेडी टू डिपार्ट जो रहती है वो जाने लगती है स्टेशन से. एंड वी आर ऑफ, या और हम सब चल पड़े, यानी जो ट्रेन है वो चल पड़ी एट लास्ट, आखिरकार. कहाँ के लिए? फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. हम जो सब हैं, अगर मैं बोलती हूँ तो ये है पूरा, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो वो हो जाता है अर्थ. अर्थ के जो सेंटर से लाइन जाती है दैट इज इक्वेटर. इक्वेटर से जो ऊपर का हिस्सा है दैट इज नॉर्दर्न. और हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में है. तो हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं, हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं. हम स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, इस तरफ जो है, जो ट्रेन है वो स्कॉटलैंड की तरफ चल पड़ी. यू मे से दैट बाय एंड लार्ज इट इज स्किम्बल हु इज इन चार्ज ऑफ द स्लीपिंग कार एक्सप्रेस. ये तुम बोल सकते हो, यू मे से दैट यानी तुम ये बोल सकते हो, बाय एंड लार्ज यानी मोटे मोटे तौर पे या बड़े तरीके से हम ये बोल सकते हैं जो स्किम्बल शेंक है वो ही इंचार्ज है. किसकी? इस स्लीपिंग कार एक्सप्रेस की. ये जो नाइट मेल है, जो स्लीपिंग कार यानी जैसे रात का सफर तय करती है, उसके इंचार्ज है. नाउ फ्रॉम द ड्राइवर, ड्राइवर से लेके एंड द गार्ड टू द बैगमैन प्लेइंग कार्ड्स. ड्राइवर, गार्ड्स और बैगमैन. बैगमैन यानी क्या होता है? बैगमैन मीन्स अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द मेल बैग्स, जो लोगों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, दैट इज मेल बैग्स. फ्रॉम द ड्राइवर, द गार्ड्स टू द बैगमैन प्लेइंग कार्ड्स. He will supervise them all more or less. सबके काम को देखना कि वो सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, चाहे फिर वो ड्राइवर हो, चाहे गार्ड हो या बैगमैन जो बैठ के आपस में कार्ड्स खेल रहे थे, उन सबको सुपरवाइज करने का काम जो है वो किसका है? वो है स्किम्बल शेंक द रेलवे कैट. डाउन द कॉरिडोर ही पेसेस एंड एग्जामिन्स ऑल द फेसेस. वो कॉरिडोर से नीचे खड़े होके देखते हैं हर एक की तरफ, हर एक की तरफ वो ध्यान देते हैं. ही पेसेस, ध्यान देते हैं, एग्जामिन करते हैं सभी के चेहरों की तरफ. ऑफ द ट्रैवलर इन द फर्स्ट एंड द थर्ड. यहाँ पे वो इवन ट्रैवलर्स तक का ध्यान रखते हैं, चाहे जो वो ट्रैवलर हो वो फर्स्ट क्लास के हों या फिर थर्ड क्लास, यानी जो ट्रेन के कोचेस होते हैं जिसमें एक को फर्स्ट बोला जाता है, एक को थर्ड बोला जाता है. चाहे वो ट्रैवलर फर्स्ट क्लास के कोच का हो या थर्ड क्लास के कोच का हो, हर एक का ध्यान जो रखता है वो कौन है? वो है स्किम्बल शेंक द रेलवे कैट. ही इस्टैब्लिश कंट्रोल बाय रेगुलर पेट्रोल. और अपना कंट्रोल रखने के लिए वो क्या करते हैं?
वो अपना कंट्रोल रखने के लिए क्या करते हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं उस एरिया में, पूरा घूमते हैं. ही इस्टेब्लिश कंट्रोल, वो अपना कंट्रोल रखते हैं. कैसे? बाय रेगुलर पेट्रोल. रेगुलर पेट्रोल का मतलब होता है जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करती है, घूमती है पूरे एरिया में, पूरी एरिया का ध्यान रखने के लिए. उसी तरीके से स्किम्बल शेंग द रेलवे कैट जो है वो पूरी ट्रेन में इधर से उधर घूमते हैं ध्यान रखने के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है. एंड ही वुड नो एट वंस इफ एनीथिंग अकर्ड, और वो बिल्कुल जान जाते हैं अगर कहीं कुछ होता है तो. कुछ एक्सीडेंटली भी कुछ हो जाता है तो सबसे पहले किसको पता पड़ता है? द स्किम्बल शेंग द रेलवे कैट. He will watch you without winking and he sees what you are thinking. जो स्किम्बल शेंक है, जो रेलवे कैट है, वो तुम पे पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं. विदाउट विंकिंग, विदाउट विंकिंग यानी पलक झपकाए बिना हर एक्टिविटी पे अपना कंट्रोल रखना. और वो देख रहे हैं कि वॉट यू आर थिंकिंग, तुम क्या सोच सकते हो, वो भी स्किम्बल शेंक समझ सकते हैं. And it's certain that he doesn't approve of Hillary and riots. और ये बात तो एकदम क्लियर क्लियर है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते. क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? शोर शराबा, hilarity and riots, यानी लड़ाई झगड़ा. So the folk are very quiet. Folk यानी people, लोग. जो लोग हैं ट्रेन में वो बहुत शांत हैं. When Skimble is about and on the move, जब Skimble जो है वो जा रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो सब कुछ ट्रेन में अच्छा ही रहना है. You can play no pranks, तुम अपनी कोई चालबाजी नहीं चल सकते with Skimble Shank. He is a cat that cannot be ignored. स्किम्बल शेंक एक ऐसी कैट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसकी तरफ ध्यान ना दें. So nothing goes wrong on the northern mail. यानी कुछ भी गलत नहीं हो सकता इस मेल में जो नॉर्थ की तरफ जा रही है. When स्किम्बल शेंक is aboard. जब स्किम्बल शेंग हमारी ट्रेन में हमारे साथ चल रहे हैं, जब वो अबोर्ड हैं, वो ट्रेन में हमारे साथ चल रहे हैं, उतर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, देख रहे हैं, हर जगह का ध्यान रख रहे हैं, तो इस नॉर्दर्न मेल ट्रेन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता. ओ इट इज़ वेरी प्लीजेंट व्हेन यू हैव फाउंड योर लिटिल डेन. ये तुमको बहुत अच्छा लगेगा. प्लीजेंट मतलब यू विल फील नाइस. जब तुम अपना डेन, डेन यानी गुफा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे डेन का मतलब है तुम्हारी जो सीट रिजर्व्ड है, जब तुम उस पे पहुँच जाते हो विथ योर नेम रिटन अप ऑन द डोर, और दरवाजे के बाहर ही तुम्हारा नेम लिखा हुआ है कि तुम्हारी सीट इस कंपार्टमेंट में, इस प्लेस पे रिजर्व्ड है. व्हेन द बर्थ इज़ वेरी नीट, जो तुम्हारी सीट है जिस पे तुम सोओगे रात को, वो बहुत साफ़ सुथरी है. विथ अ न्यूली फोल्डेड शीट, और उस पे जो चद्दर ब्लैंकेट बिछा हुआ है, जो फोल्डेड ब्लैंकेट है, वो बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है. देर इज़ नॉट अ स्पेक ऑफ डस्ट ऑन द फ्लोर, एक धूल का कण भी जब फर्शी पे नहीं है. देर इज़ अ वेरी एवरी सॉर्ट ऑफ लाइट, इवन लाइटिंग्स भी हर तरीके की है. इफ़ यू कैन मेक इट डार्क, अगर तुम चाहो तो अंधेरा कर सकते हो, या फिर तुम अगर चाहो तो तुम बहुत ब्राइटनेस उसकी बढ़ा सकते हो. व्हेन यू वांट टू रीड एनीथिंग तो तुम उसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो. देयर इज़ अ हैंडल दैट यू कैन टर्न टू मेक अ ब्रीज, तुम्हारे पास एक हैंडल भी है जिससे तुम अपने तरफ आने वाली हवा को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो. देर इज़ अ हैंडल है जिसको तुम टर्न करके ठंडी हवा का झोंका भी तुम अपनी तरफ ले सकते हो. देर इज़ अ फनी लिटिल बेसन, एक छोटा सा वॉश बेसन भी है तुम्हारे सामने जिसको देख के तुमको फनी भी लग सकता है, मजाक जैसा भी लग सकता है. यू आर सपोज टू वॉश योर फेस, तुम उस वॉश बेसन में अपना फेस भी धो सकते हो. And a crank to shut the window if you sneeze. And a crank मतलब है हैंडल है,
तुम अगर तुमको वो जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है खिड़की से उसकी वजह से तुमको ठंडक महसूस हो रही है और तुम स्नीज कर रहे हो, तुम छींकने लगे हो, तो तुम्हारे पास क्रैंक है. क्रैंक मीन्स अ टाइप ऑफ अ हैंडल जिससे कि तुम अपनी विंडो को बंद भी कर सकते हो. Then the guard looks in politely and will ask you very brightly. और अगर guard तुम्हारे पास आते हैं तो वो तुमको बड़े politely, बहुत शांति से, calmness रखते हुए politely तुमसे पूछते हैं कि will ask you very brightly, और बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए brightly तुमसे पूछते हैं, do you like your morning tea weak or strong? क्या तुम सुबह की चाय जो है वो हल्की पीना चाहते हो कि बहुत strong पीना चाहते हो? और अगर वो गार्ड कुछ भूल भी जाते हैं कि तुमसे कुछ पूछना या तुम्हारा ख्याल रखना, तो उसके पीछे कौन है? उसके पीछे है स्किम्बल. जो स्किम्बल शेंक है, दैट इज जस्ट बिहाइंड हिम, वो एकदम उनके पीछे हैं. एंड वॉज रेडी टू रिमाइंड हिम, और उनको हर बात रिमाइंड करवाते हैं, याद करवाते हैं पैसेंजर्स की केयर करने के लिए. फॉर स्किम्बल वोंट लेट एनीथिंग गो रॉन्ग, स्किम्बल कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते. एंड व्हेन यू क्रीप इनटू योर कोजी बर्थ, और जब तुम रात के टाइम पे अपने बर्थ में अंदर जाओगे, अपने बेड में जाकर सोओगे और वो कोजी से बर्थ में, एंड पुल अप द काउंटर पेन, और आजू बाजू के जो काउंटर पेन्स हैं जो आजू बंद करोगे, यानी कहने का मतलब कि सोओगे अच्छे से, तो यू ऑट टू रिफ्लेक्ट दैट इट्स वेरी नाइस, और तुम चाहो ना चाहो बोलोगे ये बहुत अच्छा है. ऑट टू यानी मजबूर हो जाओगे ये बोलने के लिए कि ये तो बहुत ही अच्छा है. टू नो दैट यू वॉन्ट बी बॉदर्ड बाय माइस, तुमको किसी भी तकलीफ, यहाँ पे जो माइस का एग्जांपल दिया दैट इज तकलीफ के लिए बोला गया है, तुमको किसी भी माइस से तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, तुमको किसी भी तकलीफ से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ का कोई ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन लीव ऑल दैट टू द रेलवे कैट, तुम हर चीज़ को स्किम्बल शेंग द रेलवे कैट पे छोड़ के बड़े आराम से आराम कर सकते हो, सो सकते हो. द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन. इन द वॉचेस ऑफ द नाइट, वॉचेस मीन्स मिडनाइट, यानी रात जब बहुत अंधेरी हो जाए, बहुत मिडनाइट हो जाए, ही इज़ ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट. जो स्किम्बल शेंक है तो भी हमेशा फ्रेश रहते हैं, एकदम ब्राइट, एकदम जैसे कि अभी आराम करके उठे हों. एवरी नाउ एंड देन ही हैज़ अ कप ऑफ टी, इसके लिए वो बार बार टी पीते रहते हैं. विथ परहैप्स अ ड्रॉप ऑफ स्कॉच, पर उसमें एक ड्रॉप ऑफ स्कॉच यानी एक टाइप की विस्की होती है, वो टी में डाल देते हैं. वाइल ही इज कीपिंग ऑन द वॉच, और जब वो रात के टाइम पे हर चीज़ का ध्यान रखते हैं. ओनली स्टॉपिंग हियर एंड देयर टू कैच अ फ्ली, अगर एक मक्खी भी उनको भुनभुनाती हुई दिख जाए तो उसको भी पकड़ने के लिए. इसका कहने का मतलब है टू कैच अ फ्ली, यानी किसी के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देते हैं, हर तकलीफ को लोगों तक आने के पहले खुद पकड़ के उसको दूर करना चाहते हैं. उस तकलीफ से दूर करने के लिए वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं. यू आर फास्ट स्लीप एट कैरवी एंड सो यू नेवर न्यू, तुम्हारे को बहुत अच्छी नींद आ चुकी होगी जब तुम कैरवी तक पहुंचोगे. कैरवी इज द नेम ऑफ द प्लेस, स्टेशन का नाम है. रात को अंधेरे में वो स्टेशन क्रॉस भी हो जाएगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा. दैट ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेशन, द स्किम्बल शेंक जो है वो अप एंड डाउन हर जगह पे स्टेशन पे इधर से उधर मूव होते रहते हैं. जैसे ही कोई स्टेशन कहीं रुके, अप एंड डाउन द स्टेशन मतलब कोई स्टेशन आती है तो ट्रेन रुकती है तो वो नीचे जाते हैं, जब ट्रेन आगे चलतीगी तो वापस उसमें आ जाएंगे ट्रेन में और फिर ट्रेन का ध्यान रखेंगे. वो तुम रात भर बड़े आराम से सोए हुए हो और स्किम्बल शेंक जो है वो इधर उधर वॉक कर रहे हैं रुकती हुई चलती हुई ट्रेन में. यू आर स्लीपिंग ऑल द वाइल ही वॉज बिजी एट कार्लसी, ये भी द नेम ऑफ द स्टेशन है, दैट इज कार्लिस. ये यहाँ पे भी वो बड़े तुम सोए हुए बड़े आराम से और वो हर जगह बिजी हैं. वेयर ही ग्रीट्स द स्टेशन मास्टर विथ
एलिशन. वो स्टेशन मास्टर जहाँ भी मिलते हैं, जहाँ भी ट्रेन रुकती है, उस स्टेशन मास्टर से बड़े प्यार से वो मिलते हैं विद एलिशन. बट यू सॉ हिम एट डम्फ्राइज वेयर ही स्पीक्स टू द पुलिस. लेकिन तुम उसको देख रहे हो कहाँ पे, स्किम्बल शैंक को. डम्फ्राइज इज ऑल्सो नेम ऑफ द स्टेशन. वहाँ पे तो वो पुलिस से भी बात कर रहे थे. वैन यू गेट टू Gallowgate. Gallowgate is also the name of the station in the Scotland. ये भी name of the station है Scotland का. When you get to the Gallowgate, there you don't have to wait. तुमको किसी चीज़ के लिए कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो Skimbleshank है will help you to get out. तुमको ट्रेन से उतरने में भी वो मदद करेंगे. He gives you a wave. और जब तुम स्टेशन से उतर जाते हो, फॉर जब तुम स्टेशन पे बड़े आराम से उतर जाते हो, तो वो तुमको बाय करने के लिए वेव कर रहे हैं. वो भी क्या बाय कैसे कर रहे हैं, अपनी ब्राउन टेल को हिला के. जो कैट की पूंछ होती है, वो ब्राउन पूंछ है Skimbleshank की, उसको वेव करके, उसको हिला के वो तुमको बाय करते हैं और बोलते हैं आई विल सी यू अगेन. मैं तुमको फिर से ही यहीं मिलूँगा, तुम फिर से मेरी इस नाइट मेल में आना. यू विल मीट विदाउट फेल ऑन द मिड नाइट मेल. तुम कभी भी आओगे तो उस मिड नाइट मेल पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुमसे ना मिलूँ. यू विल मीट विदाउट फेल यानी ऐसा नहीं हो सकता कि विदाउट फेल यानी बिना पॉसिबिलिटी ही ना है कि मैं ना मिलूँ. मैं तुमको इस स्टेशन पे, तुमको इस ट्रेन में हमेशा मिलूँगा. द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन. मैं जो हूँ वो कौन हूँ, द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन यानी वो सुपरवाइज़र कंट्रोलर जो हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं रेलवे स्टेशन का, वो है रेलवे कैट. दैट इज़ द Skimbleshank. It is written by T.S. Eliot.